रोटेट योर डिवाइस, वो तो अपने आप हट जाता। हेलो, परेशान हो गए। हाँ परेशान। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आपने ऑन कर लिया? नहीं किया तो फिर क्या फायदा? हेलो, आवाज़ आ रही है? नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण आप लोगों को परेशान होना पड़ा और आपका समय भी नष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये मुझसे कहा गया था कि मैं आत्मकथ्य के बारे में कुछ कहूँ। अब तो अपने बारे में मैं क्या कहूँ, अपने बारे में ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैं आपसे साझा करूं। वैसे मैं अपने बारे में अपने आप से भी बात करना नहीं चाहता हूं, बड़ा कष्टकारी काम है, उसको क्यों मैं कष्ट झेलूं और आपको भी कष्ट झेलने दूं। मैं सीधा आपको कहानी सुनाता हूं। ये एक थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी संक्षिप्त किया हुआ है। और अब मैं आपको कहानी सीधा सुनाता हूँ। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी का शीर्षक है दुर्जन सिंह। रोज सुबह 6 बजे से वह मक्खन मलाई सी घुंघराली आवाज़
गलियों में सुनाई पड़ने लगती है। वह दूध दही मही लेने का आग्रह किसी अनाम राग में पंचम स्वरों के अजब से आरोह अवरोहों में लगातार करता जाता, कभी थकता नहीं है। उस सुर लहरी में ऐसा जबरदस्त आकर्षण कि सुने बिना रहा भी नहीं जाता है, हालांकि वह रोज एक ही गति और लय से पुकारता है। उस वक्त मैं बिस्तर पर आधा सोया आधा जागा, अपाहत सा पड़ा, बस अब उठने तब उठने के मंसूबे बांधता रहता हूँ। सुबह घूमने का, सुबह की मन को प्रसन्न कर देने वाली ठंडक में लिपटी हल्की हवाएं, चारों तरफ ताजगी, उत्फुल्लता और स्फूर्ति। लगता है कि किसी नई दुनिया में एकदम कदम पड़ गए हों। महीने में 2-3 बार घूम भी आता हूँ, लेकिन बाकी सुबह ऐसी कि उठना मुहाल। दरअसल होता यह है कि देर तक नींद का नामो निशान नहीं, और फिर घर की गहमा गहमी और आपाधापी और ढेर सारी चाही अनचाही जानी अनजानी आवाज़ों के मलबे के नीचे मैं दबा जाता हूँ। रह रहकर सिर्फ 5 मिनट और सो लेने की मोहलत मांगते मांगते नाम और रात दिन सिर पर चढ़ जाता है, और फिर घर गृहस्थी के इतने सारे काम पहाड़ की तरह अर्राटे पहाड़ की तरह अर्राते मूड पर टूटने लगते हैं कि इन्हीं किन्हीं के बीच मेरा मंसूबा भुरता बनकर रह जाता है। ठीक 10 बजे दफ्तर पहुंचना ज़रूरी है, चाहे पृथ्वी इधर से उधर क्यों ना हो जाए। साहब का सख्त आदेश है और हमारे दफ्तर में बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन साहब के आदेश की अवहेलना, बाप रे बाप, किसी की मजाल है। यह जो नया साहब आया है, भगवान कसम गजब की चीज़ है। अरे बहुत देखे साहब लोग, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत आदमी तो हुआ करते थे, लेकिन यह तो किसी राक्षस की औलाद। एकदम नकचढ़ा, निर्मम और निष्ठुर, उसे किसी की कोई फिक्र नहीं। माथहतों से ऐसे बरतता है जैसे सब उसके बंधुआ मजदूर और उसके दिए टुकड़ों पर पल रहे हों। अपार घृणा है उसके मन में। साहब कहता भी है कि इन सालों की जात ही ऐसी है, पढ़ले दर्जे के कामचोर, हरामखोर, मक्कार, जब तक लात नहीं लगाओ हरकत में नहीं आते। इनके लिए कोई रियायत मुरब्बत की ज़रूरत नहीं, बस चले तो हाथ में जूता लेकर बैठूं। हर बार यही कहते हुए नई सिगरेट जला लेता है, घंटे भर में 4 सिगरेट पी जाता है। एक सिगरेट 10-12 रुपये से क्या कम होगी, यानी उसके दिन भर धुआं उड़ाने का जो खर्च है उसमें तो मेरे बड़के की एक पतलून आ जाए जिसे खरीदने के 3 बरस से लाले पड़े हैं। लेकिन साहब को इन बातों से क्या मतलब, कठिन कलेजे का आदमी है, भीतर ठंडक नहीं छाती में आग जो लगा रखी है, तो धुआं भी हाथ भर कर निकलेगा सो मुँह नाक से टोप के गोलों की तरह भका भक छूटता रहता है, जिसे सब मन मसों से देखते और कोसते हैं। केवल दुर्जन सिंह ऐसे दत्त चित्त होकर देखता है जैसे मंदिर में अलग अगरबत्ती सुलग रही हो। तो ऐसे साहब और ऐसा उनका चपरासी दुर्जन सिंह, नहायत नेक, परिश्रमी और आज्ञाकारी, जिसके लिए साहब के मुंह से निकला हर शब्द बादशाही फरमान की तरह होता और जिसकी तामीली किया जाना एक मातहत के लिए हुक्मनामा है, जिसमें किसी किस्म की हीलासाजी की गुंजाइश या गफलत की कोई जगह नहीं। इसलिए वह ड्यूटी में अतिरिक्त सतर्क होता, शिकार में घेरे जा रहे पशु की तरह चौकन्ना रहता, ज़रूरत से कुछ ज़्यादा तत्पर और हमेशा लगभग पंजों के बल दौड़ता था। ऐसे समय उसके चेहरे पर विचित्र सा सूखापन उभर आता और आंखें चौधियाई सी लगती, लेकिन पूरा बदन कड़क जैसे कलफ लगा आदमी हो। उन दिनों में साईं बाबा की कृपा से आशुलिपिक वर्ग 1 पर पदोन्नत होकर बड़े साहब का मुख्य स्टैंडो बन गया था। मुझे नई टेबल मिलने और नए साहब के का जो आगमन था लगभग एक ही समय हुआ। अब मेरी बैठक वहाँ बनी,
साहब की एयर कंडीशनड चैम्बर के ठीक सामने के बेडोल कमरे में, जहां उनका स्टाफ बैठता, जिसमें गर्मियों में एक जंग खाया कूलर लग जाता जो आवाज़ तो इतनी करता मानो बर्फ़ फैक्ट्री चल रही हो, मगर ठंडक इतनी सी कि कमरे में ही कहीं बिला जाती। फिर यह एक बड़ी बात थी जो हम सब बैठने वालों को बहुत गर्व और अभिमान देती, क्योंकि दफ्तर के बाकी हिस्सों में छतों पर फंदों के माफिक कसे झूलते सिर्फ पंखे होते, जो 12 महीने एक ही रफ्तार और चीत्कार से चलते, चाहे गर्मी हो या ठंड, काम का दिन हो या छुट्टी। लोग भी अभ्यस्त हो चुके थे, ऊपर छत पर पंखे और नीचे फर्श पर कर्मचारी, एक ही दायरे में गोल गोल घूमते रहते, एक ही चाल से, एक ही ऊप से, एक ही रोना रोते, जैसे कोई टोना मार गया हो। हमारे कमरे और साहब के चैम्बर के बीच जो गलियारा था, उसमें तो पंखा तक नहीं था। दीमक खाई लकड़ी के लचकते स्टूल पर बैठा साहब का मुख्य चपरासी दुर्जन सिंह सिर्फ हल्के हल्के मुस्कुराता रहता और बिना किसी भेदभाव के हर आते जाते को विनीत नमस्कार करता। यह उसकी निजी प्रसन्नता थी जिस पर उसे आत्मिक सुख और संतोष महसूस होता। फिर भी न जाने क्यों उसकी यह बात लोगों को खटकती, परेशानी से देखते, तिरस्कार करते, कई दफ़ा बौखला कर गालियाँ देने लगते। कारण समझ में नहीं आए, क्या छोटे दर्जे के आदमी की बहुत अधिक भलमनसाहत भी बुरी लग जाती है, ऐसा क्यों? लेकिन दुर्जन सिंह फिर भी ज्यों का त्यों उसी तरह कहता हरी इच्छा, और फिर थोड़ी गर्दन उचकाकर अगले को नमस्कार करने में जुट जाता। नियम से वह रोज वर्दी पहनता, साफ धोई हुई और बिना प्रेस की, सिर्फ ठंड में कमीज पर एक ऊनी बनियान। वहीं स्टूल पर बैठे बैठे मुझसे कहता, बड़े बाबू आज है गजब की कड़कड़ाती ठंड, पर फसलों के लिए बहुत फायदेमंद है, प्रभु की कृपा है ये। ठीक उस वक्त मैं जर्जर कोट में बमुश्किल हाथ निकाल पाता, मिचमिचाई आँखों के नीचे चश्मे के बोझ तले दबी नाक में से निकलता सुर्र सुर्र पानी उल्टी हथेलियों से पहुँचता रहता और नया कोट खरीदने की योजनाओं के कई प्रारूप बनाता और खारिज करता रहता। हर बार एक नया लाल कोट, चौकड़ी धारी वाला जैसा भाटिया साहब कभी पहनते थे, आँखों में टंगा मिलता जिसमें मेरे हाथ निकले हुए होते। लेकिन हर बार पैसे की कमी रोड़ा बनकर सामने अड़ जाती। इस राह में दुर्जन सिंह भी कम रोड़ा नहीं था। ऐसे हर कठिन अवसर पर कठोर मौसम के बंधनों और बंदिशों से आज़ाद और बेपरवाह उसका छरहरा बदन आँखों के सामने कूदने लगता। मन कहता, देखो एक यह है, ऐसा कोई हट्टा कट्टा पहलवान नहीं है, दुबला पतला ही समझो, लेकिन पट्टा ठंड को धता बताता है, और एक तुम लाड़ के लल्ला, सारी जिंदगी छींकते पाते निकली, जरा सी ठंड पड़ी नहीं कि नाक से परनाले छूटने लगते, गर्मी आई के पसीने की बदबू से मरे जानवर की तरह गंधाते हो कि भला आदमी पास बैठने से गुरेज करे। यदि मैंने थोड़ा सा ही शरीर पर ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती ना, और करना भी क्या, कोई पहाड़ थोड़े खोदना था, सिर्फ थोड़ी सी वर्जिश कसरत करना है। लेकिन जब अपना ही मन मुर्दा हो जाए तो किसे दोष दे। सुबह उठने के नाम पर छाती हुमस जाती, खांसी अलग उठती, सुसरी नाक पनियाने लगती, छींकों की ऐसी बौछार जैसे भूचाल घर में आ गया। अब कुछ होना जाना नहीं, बस ऐसे ही मरते खपते, जिंदगी कठिनी है, और जब यमराज आए तो कान खिंची बकरी की तरह उनके साथ चुपचाप चले जाओ। वो यमराज जब आए तब आए, अभी तो सामने के चैम्बर में बैठा महायमराज ही जान लेने को तुला रहता है, ऐसे खौकिया के दौड़ता है कि काट ही ना खाए। पूरे टाइम चीख पुकार गाली गलौज की तनबन पत्ते सा थर थर काँपता, 10 बजे से ही मेज पर मुक्के मारने लगता। बड़े बूढ़े का कोई लिहाज नहीं, कब किसकी इज्जत का भरता बनाकर लत्ते सा गोल बोल खिड़की के बाहर फेंकते,
भगवान भी नहीं जानते। सवेरे से छोटे बड़े अधिकारी बाबू लोग बगल में फाइलें दबाकर लाइन लगाए बाहर खड़े जूता खाने का इंतज़ार करते हैं। साहब एक के बाद एक को बुलाता, चैम्बर के एसी से ज़्यादा लोगों के दिल धड़धक धड़धड़ाते। अधिकतम डांटता, अधिकतर फाइलें फेंकता। लेकिन भैया, जब किसी बड़े आदमी या तुच्छे नेताओं के फ़ोन आते तो यही बब्बर शेर भीगी बिल्ली बन जाता। लचक लचक कर और लाड़ से हंस हंस कर बातें करता, म्याऊं म्याऊं टाइप। फ़ोन रखते ही ऐठ कर कुर्सी पर लग जाता, एक नई सिगरेट सुलगाता और फिर धुआंधार गुर्राने लगता। उसकी एक खास आदत थी, वह हर सोमवार को मीटिंग कर सबको गट्ठा गट्ठा काम टिका देता, हर काम की समयावधि तय कर देता, फिर कड़क कर कहता कि वह समय का बहुत पाबंद है। हथेलियाँ रगड़ता हुआ कहता कि एक मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं होगी, फिर चाहे कुछ भी कैसी भी आसमानी सुल्तानी हो जाए, हरेक को इस निर्धारित अवधि के भीतर झक मार कर काम पूरा करना होता, वरना बैंड बाजे बज जाते। साहब बहाने सुनने से भरपूर परहेज रखता, कामचोर कर्मचारियों की खाल खींचने में उसे विशेष मज़ा आता। उसकी समय की पाबंदी का यह हाल कि घड़ी में 5 बजे की बेला नागा रोज साहब दफ्तर से उठ जाता कि 5:30 बजे टेनिस कोर्ट में पहुंचना होता है ना, परंतु स्टाफ को समयावधि का इतना काम दे जाता जिसे पूरा करने में हम लोगों को रोज रात के 8-9 तो पक्के ही बच जाते। अगली सुबह शेर ठीक 10 बजे हथेलियाँ रगड़ता दफ्तर में हाजिर, और इस समय कल का दिया गया पूरा काम उसके सामने टेबल पर होना चाहिए। काम में कोई जरा सा भी चूका कि साहब ने सुबह का बाकी मांसाहारी नाश्ता वहीं पूरा किया। अभागा नुचा चिथा अधमरा फर्श पर पड़ा हाय हाय करता, और साहब अच्छी खासी डकार लेकर उस घंटे की चौथी सिगरेट जला लेते। इस तरह नरक में रो रो कर दिन कट रहे थे कि एक दिन वह किस्सा हुआ। उस दिन साहब घर जल्दी चले गए, उनके ससुर साहब आए थे। वे एक ज़माने में बहुत बड़े अधिकारी होते थे, रिटायर होने के बाद सरकार ने उन्हें कर्मचारियों में बढ़ती अकर्मण्यता, निष्ठाहीनता, लापरवाही और बेईमानी को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाइयों की सिफारिश करने के लिए कर्मचारी कल्याण की स्थायी कमेटी का अध्यक्ष बना दिया था। वे बहुत कड़क स्वभाव के थे, उनके बारे में बहु प्रकार से कहा जाता है कि वे अपने समय में तो हंटर लेकर बैठते थे, रोज 2-4 के चूतड़ फूटते थे, लेकिन काम हमेशा सही टिपटा फिटफाट और टेम्पर होता था। उनकी पुरानी शेफर्ड गाड़ी की आवाज़ सुनकर लोगों के अंग अंग जगह जगह पर पिराने लगते थे। हालांकि अब हंटर नहीं देखा उनके पास, अंग्रेज गए तो साथ ले गए होंगे, लेकिन उनके पोपले से मुँह के बिल में से 2-3 सफ़ेद चमकते दांतों के बीच सांप सी लपलपाती जीप किसी हंटर से कम नहीं थी। मुझे उनका अच्छा खासा अनुभव था। सरकार द्वारा दिया गया स्टाफ उनके पैतृक गांव में रहता था। उनके भोपाल आने पर डिक्टेशन के लिए मुझे जाना पड़ता था। वे बूढ़े हो चुके थे, लेकिन गिद्ध की तरह नोचती उनकी आँखें और बेहद खरखराती कठोर आवाज़, सिगार के अनवरत धुएं में से साक्षात मौत जैसी दिखाई सुनाई देती। सारा खारा खाया पिया एक जगह से मट जाता और शरीर लुकलुकाने धुकधुकाने लगता। आपको समझ ही नहीं पड़ती और कभी भी एक जोरदार चांटा आपको कहीं भी पड़ जाता। उन्होंने मेरे दाएं कान का नाम हिंदी और बाएं का नाम अंग्रेजी रख दिया था। जब तक मैं विशेष को विशेष नहीं लिख या पढ़ पाता, वे मेरा दाया कान हणीली उंगलियों के जुम्बिश में दबाए मरोड़ते रहते। यही हाल दूसरे कान का होता, जब तक मैं सस्पेंस को सस्पेंस नहीं कह पाता, वे एक लाइन डिक्टेशन के बाद एक नया सिगार सुलगाते, थूक उछटा उछटा कर खांसते और पान पराग खाकर कोई पुराना किस्सा सुनाने लगते, जिसमें भांति भांति के लोगों की भली भांति
चमड़ी उधेड़ने या जंगलों में घेर कर जानवर मारने के दिल दहलाने वाले वर्णन होते। हर किस्से का अंत यकीनी तौर पर इस निष्कर्ष पर होता कि फिर सालों की अकल ठिकाने लग गई या ऐसी ही कोई कमीनेपन की बात। लेकिन दुर्जन सिंह की जिंदगी ऐसी ना थी। चपरासी की नौकरी बड़े मजे मजे की होती है, ज़्यादा झंझटबाजी नहीं। साहब चैम्बर में हों या ना हों, उनके आने से पहले आ गए। साहब आए तो एक लंबा सलूट मारा और स्टूल पर डट गए। फाइल लाए, फाइल ले गए। चाय कही तो चाय ले आए, पानी मांगा तो पानी दिया। बाकी टाइम पुराने पंखे से, पुराने अखबार से पंखा करो या मक्खी मारो, कौन पूछता है। उधर साहब उठे, इधर आप खिसक लिए, क्या आनंद है। गर्मी में गलियारा बेहद गर्म हो जाता। मेरा मन नहीं मानता, मैं ही कह देता, आओ चौधरी कूलर में बैठ लो, साहब की घंटी तो यहाँ से भी सुनाई देगी। तो दुर्जन सिंह सज्जन टाइप, संत टाइप बातें करने लगता। ना जी ना बड़े बाबू ना, एक दिन के आराम के लोग से बाकी ज़िंदगी की गत बिगड़ेगी। मन हमेशा आराम चाहेगा और आराम किस्मत में नहीं, सो जो मिला है उसे ही किस्मत कह लो और उसी को आराम समझ लीजो। फिर पिछले दिनों चकरा घाट पर पंडित जी से सुनी कोई धार्मिक कथा गदगद भाव से सुनाने लगता। आध्यात्म की चाशनी के गाढ़े रस में लथपथ उलट बांसी सी कोई बात भरे गले की भीगी और रहस्यमयी आवाज़ में छप छप बहती। वह लगभग फुसफुसा कर बोलता, बड़े बाबू सच्चा कुछ नहीं, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, सुख दुख क्रोध बैर लोग सब कुछ नहीं, सिर्फ माया है। उसी का धुआं धुआं है चारों ओर, देखो तो दिखता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं बड़े बाबू, गौर से देखो, ध्यान लगा कर देखो तो उस पार ज्योत है, जहां हम सब का घर है, अपना आखिरी घर। सो कलयुग में प्राणी का क्या काम, यही कि मन को इस धुंध में हांकते चलो, धर्म की एक लेन बना लो और बस चलते जाना है। लेकिन दरअसल जाना कहीं नहीं है, काल को ही छाती पर से गुजर जाना है। काल के पहिए भी धुआं धुआं हैं, शरीर भी धुआं धुआं ही तो है, अंत में क्या निकलता है, धुएं को धुएं में मिलना है। सो सीधी राह कर्म की पकड़ ले भाई, सदगुरु का यही कहना है। मेरी समझ में ये अटपटी बातें कम आती, बल्कि झुंझला ही जाता। कहाँ तो मेरा दुर्भाग्य, ना तो घर में अंत है और ना ही दफ्तर में, और कहाँ ये दो कौड़ी का चपरासी ज्ञान पर ज्ञान पेले जा रहा है। कौन सी लेन बना लूँ, कहाँ के धुआं में चला जाऊँ। लेकिन कुछ कह नहीं पाता, कुछ बोलूँ तो रोना पहले आता। दरअसल बात तो यह है कि मेरा मन बड़ा फुसफुसा टाइप का है, घर के हालात संभाले नहीं संभलते। सौ छेद की चादर की एक तरफ से सिलूँ तो चार तरफ से फट जाए, महंगाई की ऐसी मार कि पेट का पित्ता पानी हिल जाए, दूसरे का चैन देखकर अपनी फूटी किस्मत पर धाड़े मारकर रोने का मन होता। आंसू भीतर ठेलने की कोशिश में मुंह अजब तरह से खिंच जाता, कुछ नीचे लटक आता और नाक से पानी निकलने लगता। दुख कहीं से किसी तरह तो निकलेगा ही, लेकिन यह भी जानता हूँ कि भले ही मेरे पापी मन को दुर्दन सह की जिंदगी मजे की लगती हो, लेकिन भीतर कहीं यह बात कील की तरह गड़ती रहती है कि मेरी तुलना में फिर भी उसका जीवन दिन रात के संघर्षों की अनंत कथा है। वह बताता, बड़े बाबू रोज सुबह 4 बजे के पहले उठ जाता हूँ, जब आसमान में पीले बादल भी नहीं होते। गाय भैंसों की खलीसानी आदि निपटाकर फिर दूध धोकर फेरी के इंतजाम जमाता हूँ, फुर्ती से नहा धोकर पूजा पाठ कर लेता हूँ, फिर बच्चों को चाय बनाकर पिलाता हूँ और तब दूध दही मठा लेकर साइकिल पर निकल जाता हूँ। 8:30 बजे तक लौटकर खाना बनाता, उन्हें खिलाता, खुद खाता, टिफिन लगाता, बर्तन मांजता, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ता। लौटते में 2 घरों में फटाफट खाना बनाता और दफ्तर आ जाता कि 10 बज गए।
तीसरे बच्चे की डिलीवरी में औरत मर गई, मासूम बच्चों का मुंह देखा और दूसरी शादी का मन नहीं हुआ। पड़ोस में ही बहन बहनोई रहते हैं, बच्चों को संभालने में उन लोगों ने बड़ी मदद करी। राम कभी उनके काम आ सकूं तो भगवान जीवन सकारत होए। मैं कहता ना बाबू कि सकल जिंदगी माया का धुआं धुआं है, कुछ सूझता नहीं, लेकिन आफत आन पड़ी सिर पे तो रोने का क्या होए। सो बड़े बाबू चित्त स्थिर करके चलते चलो, पैरों को आगे बढ़ाने से रास्ता अपने आप खुलता जाता है। जैसे काल कैचुल छोड़ रहा है, उसके निशान पे पांव धरते चलो, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, चलते चलो, नहीं तो तुम पीछे छूट जाओगे। काल आगे ही नहीं पीछे भी है, रुक गए तो उसके ग्रास बन जाओगे और भागोगे कहाँ और कैसे, चारों ओर धुआं ही धुआं। जब जैसा वक़्त मिलता वह बताता रहता कि शाम को फिर चारा सानी कर दूध दही का काम निपटाता, खाना बनाता, खिलाता, चार जगह खाना बनाकर घर लौटता तो पिंडली पिंडली दुखती, नसें भीतर ही भीतर खींचती। ऐसा लगता शरीर को जैसे कोई पूरब और कोई पश्चिम तरफ खींच रहा हो। तब मन करता कि कोई साथ सहारा हो, लेकिन खाली कोठरी में बच्चों के हाथ पैर पटकने के अलावा कोई दूसरी आवाज़ नहीं होती। धीरे धीरे नींद हावी होती जाती, वह बेसुध सो जाता, जैसे घर ना हो, बिना हदों का मैदान, सूना और सुनसान, फिर भी लगता घर में कोई है जो हम सबको सुला रहा है, जगा रहा है। बहन ने कई बार समझाया, बहनोई अब तक समझाता, दूसरे नाते रिश्तेदार सभी, लेकिन दूसरी शादी का मन नहीं हुआ। मेरी औरत बहुत सीधी थी साहब, एकदम गाय, ना उसने कभी कुछ कहा ना कभी मांगा, जो दिया उसी में जतन से घर गृहस्थी चलाई। बस देर देर रात घर के काम समेटते ऐसे बोलती जैसे दिन में सपना देख रही हो, घेघराई आवाज़ में विनती करती कभी मुझसे और अक्सर अपने भगवान जी से कि बड़े लड़के को इंजीनियर बना देना। लड़की को डॉक्टरनी और तीसरे बेटे को क्या बनाना, इसके बारे में उसकी अक्कल जवाब दे जाती। कुछ नहीं सूझता तो यही बर्राती रहती कि उसे भी अपने सुबीते से कुछ बना देना ताकि घर गृहस्थी ठीक से चला सके। बस इतना ही ध्यान रखना, लेकिन भूल कर भी चपरासी की जून मत देना। इनकी हालत देखी, रोज बैल से जुटे रहते हैं तब भी पार नहीं लग पाता। दिन भर की थकान के बाद आराम से पैर फैलाता मैं उसकी बातें मजे मजे सुनता और कभी चढ़ चढ़ा उठता। जब कभी ज़्यादा पगलाती तो उसे डांट देता, तब वह बेआवाज़ बोलती रहती जो मुझे ज़्यादा साफ सुनाई पड़ता। लेकिन उसके मरने के बाद उसकी इच्छाएँ घर भर में बोलती मिली और फिर मेरे मन में घर करके बैठ गईं। बस तब से हमेशा बच्चों की पढ़ाई के पीछे पगलाया सा रहता हूँ। घर का कोई काम ना करे तो चलेगा, लेकिन सुबह शाम टाइम से पढ़ने नहीं बैठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। कर्ज भी लेना पड़ा तो ले लूँगा, लेकिन उसके मन की साथ जो वह अपने साथ लेकर चली गई, भगवान सुन ले, खाली ना जाने दूँगा। ऊपर कभी मिली और उसने जो पूछा कि राजेश के बाबू क्या किया राजेश का, शर्मिला का और अपने अमिताभ बच्चन का, तो क्या जवाब दूँगा बोलवा। फिर वह कहता कि अब तो ठप्पे से बोल सकता हूँ बाबू कि तुम्हारे राजेश इसी साल इंजीनियर हो गए, शर्मिला डॉक्टरी पढ़ रही है, अपने अमिताभ भी लाइन में लगे हैं, चिंता मत कर तोरी। उसके कष्टों को सुनकर मुझे दुख होता, उपलब्धियों में संतोष मिलता। इस तरह मैं उसकी बातों में हिचकोले खाता, लेकिन ताज्जुब की उसके अंदाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं। शब्दों में एक अजब गहन गंभीर धीरज और कहन में तटस्थ ठहराव, जैसे हाल में लौटे किसी मेले ठेले की जग बीती सुना रहा हो।
कहीं दया की भीख नहीं, तरस खाने का आग्रह नहीं, किसी की निंदा नहीं, अपनी बड़ाई नहीं, सिर्फ एक अभंग जो कोई सुना रहा है। खुले आसमान के नीचे करुणा में भीगा, रोशनी में चमकता और अनंत आनंद में डूबता उतराता। मैं आती जाती लहरों में बह बह जाता, फिर भी कहीं कुछ ऐसा भी था जो मेरी छाती में गड़ता गड़ता कुछ अधिक गड़ जाता। यह मेरी समझ में नहीं आता, इस असमंजस और परेशानी में मेरा अकेला रोना कुछ ज़्यादा बढ़ जाता। इसमें अपने हालात का स्यापा भी होता। बड़े लड़के ने जैसे तैसे बीकॉम पास कर लिया, कंप्यूटर भी सीख लिया, घर भर को बड़ी होशियारी से कंप्यूटर की बातें बताता, लेकिन नौकरी का कहीं कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। कई लोगों के हाथ पैर जोड़े, साहब से भी गिड़गिड़ाया, लेकिन हाथ कुछ ना आया। जब बड़े का यह हाल तो बाकी 3 संतानों का क्या होगा, यह चिंता मुझे भीतर ही भीतर खाए जाती। बार बार नाक में पानी भर जाता, आए दिन शाम को हरारत हो जाती, लेकिन और आधे सिर का दर्द जान ले लेता। मैं दुर्जन सिंह से तुलना करना नहीं चाहता, लेकिन बार बार मन उसी तरफ लौटता। मन को समझाता भी कि सही है कि दुर्जन सिंह ने जिंदगी पर मेहनत की, बच्चे भी मन लगा कर पढ़े, यह भी ठीक रहा, लेकिन सोचो कि परिस्थितियों ने भी उसका खूब साथ दिया कि नहीं। कैसे, पिछड़े वर्ग का होने से सब बच्चों को शुरू से ही स्कूल की तरफ से सुविधाएं मिली, ड्रेस मिली, लड़के को मुंबई के नामवर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, लड़की को दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई। चपरासी के बच्चे थे, सो रहन सहन जीवन स्तर तो कुछ खास ना था, किसी तरह गुजारा कर लिया और पास होते गए। दुर्जन सिंह दूध दही के धंधे से और 4 घर खाना बनाकर अपना पेट काटकर उनको पढ़ाता रहा, आगे बढ़ाता रहा। ठीक है, बड़ी बात है, मैं उसके उद्यम को छोटा नहीं लेखता। उसकी मेहनत रंग लाई, भगवान ने भी सुनी, सरकार ने भी मदद की, लेकिन मेरी तो सोचो, मेरा क्या, मेरा कौन सहारा, कौन मददगार। घर में हरदम अभाव, भारी खींचतान मची रहती, सबकी अपनी अपनी मांगें, बढ़ती उम्र की ज़रूरतें कैसा पूरा करें। एक कमाने वाला, 6 खाने वाले, और सभी के दिमाग साथ में आसमान पर, जिस पर महंगाई की रोज चौतरफा मार। बाहर 4 लोगों के सामने इज्जत रखने के लिए जब तक उधार लिए और मुसीबतें भोगी, कहीं कोई हाथ बटाने वाला नहीं, पैर पसारने वाले लाखों, बस कोहलू में दिन मुझे खींचे चले जा रहे थे और मैं उनके साथ रोता झीकता चला जा रहा था, हड़काए पशु की तरह बलि स्थल की ओर। अब अपनी व्यथा कथा क्या सुनाऊं, किसे सुनाऊं, ऐसी करी विधाता कि कुछ अपने हाथ में नहीं, बस पिटते के साथ पिटता गया, कोई तारहार नहीं आया रे। जिस दिन दुर्जन सिंह ने बड़े बेटे के पास होने और विप्रो कंपनी में ऊंची नौकरी की खबर सुनाई, उस दिन पीड़ा बांटते उसका वह बलिष्ठ हाथ थरथरा रहा था, जिस पर मढ़े काले रोयों के बीच हरे खुरदरे में दुर्जन सिंह टंगा था। शर्माती संकोची आंखों के ऊपर भाल पर अंकित लाल चंदन का टीका दिपदिपा रहा था। मैंने भारी मन से पीड़ा खाया, बच्चे को आशीष दिया और नाक पहुंचने लगा। फिर कुछ समय के अंतराल में उसने अपनी बिटिया के डॉक्टर हो जाने की मिठाई बांटी। मेरा मन भुक्का मार कर रोने का हुआ, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला, नाक से पानी बदस्तूर बहता रहा। अक्सर वह बड़े ठहरे मन से कहने लगता, बड़े बाबू, ऊपर वाले ने बड़ी कृपा करी, खूब निभाया राम, वह भी स्वर्ग में बैठी खुश हो रही होगी, अब उसके पास कहने को भी क्या बचा। ज़्यादा खुश हो लेती तो नई दुल्हन सरीकी लजाती थी, भीतर भाग भाग जाए, अब भगवान के द्वारे बैठी है, कहाँ भागेगी, मेरा ही इंतज़ार करती होगी। बड़े बोल से भगवान बचाए, लेकिन बाबू मैंने भी खूब कर लिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। सोचता था पर डरता भी था, करता चलता था सो मालिक ने सुन ली। अब एक
बचे अमिताभ सुबह भी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में पहुंच गए हैं। बड़े भाई की तरह इंजीनियरिंग तो नहीं जा पाए, क्या है कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, दुखी हो रहे थे। मैंने कहा, बेटा मन मत मार, भगवान की जो मर्जी होगी उसी में बरकत भी होगी। विद्या हर हालत में मदद करती है, इसके उजियारे की छांह गहकर पढ़ता चल चल, प्रभु भली करेंगे। फिर भी दुर्जन सिंह की आवाज़ में एक खलिश थी, बहुत हल्की लेकिन गैर मामूली, जो उसने जल्दी ही सायास दबा ली। जैसे एक सांस कलेजे में दम भर को तिकोन हुई और सीधी निकल गई, किसी को पता नहीं चला। हालांकि आने वाली अगली सांसों ने इस भारीपन को देर तक महसूस किया। वह मेरे हालचाल पूछने लगा, ऐसा कभी नहीं रहा कि वह मेरे दुख को नहीं जानता था, लेकिन उस दिन वह खास तौर पर दूसरे का दुख जानना चाहता था। उसके भीतर फैलती व्याकुलता का एक ठौर पर वह सिमटना चाहती थी। उसने जिंदगी में इतने दुख देखे थे कि वह उन्हें जुबान पर आने के पहले ही आँखों के भीतर से पहचान लेता था। उसकी बूढ़ी हो चली नजरें दूर खड़े आदमी को देखने में एक बार धोखा खा जाएं, पर पास बैठे दुख को बखूबी जान लेती थी। फिर वह मेरा तो हमेशा का हम दर्द रहा। वह कहता, आपको क्या समझाऊं बड़े बाबू, आप तो पढ़े लिखे गुनी अंग्रेजी जानने वाले, विधाता ने सब भांति झोली भरी आपकी, आपकी भी नैया पार लगेगी। उसके दर पे देर भले हो अंधेर किसी विध नहीं, हौसला रखो सब ठीक होगा। फिर वह ऐसी चुप लगा गया जिसमें खुद डूबता हुआ तल में कहीं गुम हो गया। इधर कुछ दिनों से वह अपने बेटे बेटियों की बातें नहीं सुनाता, कुछ उद्विग्न सा रहता, कभी एकदम चुप, कहीं बोलते बोलते चुप, एक अजीब सा सन्नाटा। इधर उधर से पता चला कि बड़ा लड़का किसी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी में अमेरिका चला गया है, वहीं किसी मैम के साथ घर गृहस्थी बसा ली है, साल 6 महीने में अंग्रेजी में रंग बिरंगा ग्रीटिंग कार्ड भर आ जाता है, लड़की ने चंडीगढ़ में एक धनाढ्य सहपाठी से शादी कर ली है, गैर जाति का है, दोनों एक बड़ा सा नर्सिंग होम चला रहे हैं, उनकी दुनिया ही बदल गई है, फिर कुछ लाशरम और कुछ क्लास 4 कर्मचारी का झंझरा क्वार्टर, शायद इसलिए वो लोग कभी इधर नहीं आते, लेकिन नियम से हर माह बाप को पैसे तो भेज देती है। दुर्जन सिंह भी दिमाग का टेढ़ा है, बेटी के नाम से कोऑपरेटिव बैंक में खाता खोल रखा है, जो पैसा आता उसी में जमा कर देता, पासबुक पेटी में बंद कर फिर गाय बैलों की सानी बनाने में जुट जाता। मेरा मन कभी छेद के भेद लेने में रस लेता, लेकिन वह कभी उन उड़ गए परिंदों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता, जैसे उसने स्लेट पोंछ ली हो। क्या यह संभव है, पता नहीं चल पाता। वह बड़ी निसंगता और तटस्थता से उसी आध्यात्मिक रपटीली भाषा में बोलता, बड़े बाबू कहता था ना कि सब धुआं धुआं है, अपना अपना सच, अपने अपने सपने, अपनी अपनी उड़ान, इस धुंध में काल किसको कहाँ ले जाए, कौन कब खो जाए, कौन उड़ जाए, कौन मुड़ जाए, क्या किसी को पता चला है। अब जिसने जो किया सो अपने तय ठीक किया होगा, मैं कौन उंगली उठाने वाला, अनपढ़ मूर्ख गंवार, लेकिन दुख होता है, एक बार पलट कर भी नहीं देखा। एक बार पूछा तो होता, किसने क्या, कौन सा भी ने जो गए और फिर बार रमेश को चले गए। दुख तो होता ही है, होता है तो मन को समझा देती है। कौन, अरे वही मूर्ख, मुझसे भी ज्यादा गंवार, ऊपर बैठी बैठी कहती है, परेशान ना हो राजेश के बाबू, अब जैसे अमिताभ की नौकरी लगे सब छोड़कर यहीं चले आओ, सरग में तुम्हारे लिए भी जगह छेक रखी है मैंने, मन छोटा ना करना, तुमसे जो बना सो तुमने किया, यहाँ सब कह रहे हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ी, अब जिसको जो करना है सो करने दो,
तुमने अपनी ड्यूटी पूरी करी सो भगवान के लिखे, जो आखिरी काम बचा है उसे पूरा कर लो। अमिताभ को भी किसी हिले से लगाकर जल्दी इधर चले आना, तुम्हारी बड़ी चिंता लगी रहती है। इसी महीने 2 बार बुखार चढ़ा रहा सो अपना भी ध्यान रखियो। अब जन्म की मूरख ज्ञानवती बनके मुझे समझाती है, अरे नौकरी क्या पेड़ में उपस्थित है कि राजेश के बाबू ने झराई सो टप से झोली में आ गिरी। काम टीशन बढ़ गया है, राजेश शर्मिला के दिन और थे अब निकल गए। आजकल नौकरी की मारामारी महामारी जैसी फैल रही है, कोई भी वर्ग के हो अब बिना पैसा और बिना सिफारिश के मामूली लोगों के बच्चों को कहीं कोई जगह नहीं है। ज़माना अजब तरह से पलट गया है कि सिर पैर कुछ समझ में नहीं आता। बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, छोटी उम्र में आँखों पर चश्मा चढ़ जाता है, दिन रात एक करने के बाद भी क्या हासिल। आवेदन पर आवेदन करो, कागजों के ढेर लगे रहे, लेकिन क्या भागने कपाट तो बंद कर रखे हैं। पहले नाम का कलयुग था, अब असल रूप आया है, तो क्या करें। गुरु बाबा कहते हैं कि छाड़िए ना हिम्मत, बेसारिए ना हरि नाम, जा ही विध राखे राम ताही विध रही। वही ना कि धुंद में चलते रहो, धुआं में लट्ट भांजते रहो, प्रभु ने चाहा तो किसी दिन भाग्य की मोड़ पर खल ही जाएगा, लेकिन कब। इतनी देर और अंधेर है कि मन रह रहकर घबराता है, पर बड़े बाबू विपरीत हवा है, पांव जमाए रखना, प्रभु भली करेंगे। क्या खाक करेंगे, पांव तो उखड़ चुके हैं। इस बाबले को मेरे घर के हालात क्या मालूम। बड़ा बेटा बीकॉम और कंप्यूटर की डिग्री सिर पर धरे गली गली के फेरे लगाता रहा, लेकिन प्रभु ने गरीब की नहीं सुनी। झक मार कर 2000 रुपया प्रति माह पर टाइपिंग की दुकान में नौकरी करने लगा। सुबह 9 बजे जाता तो फिर पता नहीं कब लौटेगा। 10-11 बजे बजना तो रोज की बात है, बताता है कि मालिक की सेटिंग कई दफ्तरों में है। हर घंटे मूड पर पुलंदे पर पुलंदे, जोर से सांस भी लो तो नटेर कर देखता है। चारों तरफ कागज ही कागज, जैसे कागज अफरात में बढ़ रहे हैं। भूख और गरीबी उसी भाव बढ़ रही है, विकास दर भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, नरक बढ़ रहा है, कहीं कुछ घट नहीं रहा, देश आगे बढ़ रहा है, दुकान आगे बढ़ रही है, 18-20 लोग लगा रखे हैं, टाइपिंग की फैक्ट्री खोल रखी है, रात दिन काम होता है। मैंने उसे बताया कि कारखाना संबंधी श्रम नियमों के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है, जिसमें आधा घंटा खाने की छुट्टी देना कानूनन लाजमी है। उसने हंसकर मेरी ओर देखा जैसे किसी गावदी को देख लिया हो। उम्र ढलते हर पिता को ऐसी जवान मुस्कुराहट में छुपा अपनी कमतरी का एहसास भीतर तक छेद डालता है। मैंने सिर घुमा लिया, फिर भी मेरी ओर सीधा देखता हुआ वह बोला कि किस जमाने की बातें करते हो बापू, ये चौंचले वहाँ नहीं चलते, लाइन लगी है, एक हटे तो 10 घिसे आ रहे हैं, दोस्त का मामा है तो तरस खाकर एहसान जताकर नौकरी दी है। मैं चुप रह गया, उसका चेहरा देखता रहा, क्या जवाब दे सकता था भला। मेरा सब सोचा समझा तो मानो पानी में बह गया, अकारत अपराध में भीगा, पछतावे में डूबा, समय ने बोलने से भी मोहताज कर दिया। लेकिन मन मुरझा गया, जवानी में क्या हालत हो गई इस बेटे की। छोटा सा तो मुंह है और उस पर बड़ा सा चश्मा है, मुहासों से भरे चेहरे की सूखी सिकुड़ती खाल पर उतनी ही उदासी और उससे दुगनी निराशा, मनहूस और घुन्ना होता जा रहा है, हे धरणी धर कहाँ हो राम। लेकिन उससे भी अधिक बुरा लगा दूसरे बेटे को देखकर। पढ़ाई लिखाई में कभी मन नहीं लगा उसका, दिन भर आवारा कर दी, काम धंधे का कोई ख्याल नहीं और ना ही अपने भविष्य का, उसे इस बात का रत्ती भर मलाल भी नहीं। खटकने वाली खास बात तो यह थी कि उसकी दिलचस्पी के दायरे कुछ अलग ही थे, कुछ हुनर ना होते हुए भी वह सबको हकारत की नज़र से देखता
और भली बात पर मुंह बिचका लेता। कमीनगी के किस्से सुनाने में और हरामीपन की बातें करने में उसे विशेष आनंद आता, जो चेहरे पर दबंग निर्लज्जता के साथ खिलकर छलक छलक पड़ती। उसके लिए सज्जनता बेवकूफ़ी थी, विनम्रता दब्बूपन के अलावा कुछ नहीं। धोखाधड़ी को होशियारी मानता, छल कपट को गले लगाता और धौंस डपट उसके आदर्श मूल्य थे। अपनी या दूसरों की नीचता की बातें गर्व और गौरव से बखानता और इस तरह उसका मन मुदित होता। यह सब करते हुए वह जाने किस दिशा में झांक रहा होता। उसकी आंखों के उन भावों को देखकर मैं भीतर ही भीतर दहल जाता। यह लड़का न जाने किस नरक में जा रहा है और किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं। बाबा ऐसे ही रोते कलपते और आशंकाओं में भरते जीते दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक बात देखी, दिनों दिन दुर्जन सिंह चुप और गहरा चुप होता जा रहा था। कारण पूछने का मन बहुत करे, लेकिन हमारी ही दुर्दशा रोज चारों तरफ से हो रही थी। अब अपनी ढांकें कि दूसरे की देखें, इसी ऊहापोह में हम चल रहे थे और हमारे ही साथ साथ बुरा वक्त भी चल रहा था, जैसे कैदियों के पाँव में कड़ा फंसा दिया जाता है। उन्हीं दिनों वह किस्सा हुआ जो मैं आपको सुनाने जा रहा था, लेकिन आदत से मजबूर अपने दुखों का रोना लेकर बैठ गया। उस दिन हुआ यह कि साहब जल्दी घर चले गए, मैं उनके ही टीए बिल के चक्कर में ऊपर लिखा कक्ष में गया था। लौटा तो क्या देखता हूँ, साहब तो जा चुके हैं और चैम्बर में फाइलों के ढेर के सामने अकबकाया खड़ा दुर्जन सिंह कुछ कागज एक हाथ में लिए और दूसरे हाथ से सिर खुजा रहा था। मुझे देखते ही मेरी ओर लपका और बोला, तुम अच्छे आ गए बड़े बाबू, साहब भारी काम बता गए हैं। भेंट में उबलती भूख के मारे में वैसे ही चिड़चिड़ा हो रहा था, उस पर साहब के आदतन हरामीपन से झुंझला गया। क्या क्या कह गए, मेरी समझ में कुछ नहीं आओ, आधे से ज़्यादा तो अंग्रेजी में बोल गए, फिर भी कुछ तो कहा होगा। यही बोल गए कि इन फाइलों के डिक्टेशन पूरे कर लियो और साहब कह गए कि जिन कागजों में जहाँ जहाँ निशान लगे हैं बिलेडी फूल वहाँ करप्शन कर लो और अपने दस्तखत करो, और ज़रूर से कल 10 बजे मुझे दिखाना और कल 10:30 की मीटिंग में ले जाना है। बस इसके अलावा तो कुछ माथे नहीं पड़ा बाबू। मैं जो पहले पहल समझ सका कि अब रात के 9 बजे तक फांसी की सजा लग गई। पेट का पित्ता पानी हिल गया। फिर दुर्जन सिंह जो कागज बता रहा था और जो कैफियत दे रहा था वह तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही। उन कागजों में हाल में खरीदे कंप्यूटरों के खर्च का हिसाब किताब था, उनमें कई जगह पेंसिल से निशान लगे थे, इनमें किस प्रकार करप्शन किया जा सकता है, साहब का मंतव्य क्या है, बड़ा घोटा अफसर है, क्या करवाना चाहता है मुझसे, मरवा देगा क्या, करप्शन के केस में फंस गया तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। धरती डोलने लगी, हाथ पैर ठंडे पड़ गए, बाल बच्चों का क्या होगा, करूं तो मरूं, ना करूं तो मौत समझो, समयावधि का काम है और साहब का सीधा हुक्म। समझ में कुछ नहीं आ रहा, अगर कल खाली हाथ कागज लेकर उनके सामने जाऊंगा तो वह राक्षस हाथ घुसेड़ कर पूरे प्राण निकाल लेगा। अजब सांसत में जान फंसी, भरी ठंड में पसीना आ गया, रुआंसा हो गया। दुर्जन सिंह तो टोपी ठीक करके चुकत की तरह खड़ा मुझे हेर रहा था, लेकिन मेरा तो कहीं कोई सहाय ना था। फिर भी मन में जुगत भिड़ाई कि बाकी सब फाइलों का डिक्टेशन वर्क पूरा कर लो और तड़के उठकर 9 बजे के करीब साहब के बंगले पर पहुंचकर हाथ जोड़कर निवेदन कर डालो कि साहब, दुर्जन तो ठीक से समझा नहीं पाया, साहब की प्रकरण में हिदायतें मिल जाएं तो बिल्कुल अभी 1 घंटे में हजूर पूरा कर साहब की टेबल पर ठीक 10 बजे नोट पेश हो जाएगा। साहब की 4 गालियां खा लूँगा, कोई हर्ज नहीं, पर नौकरी तो बची रहेगी। इस बात से मन को कुछ ढाढ़स मिला, जल्दी जल्दी फुर्ती से काम निपटाया, फिर भी 11 से ऊपर बज ही गए। खाली दफ्तर रात में फेस बदल लेता है और अपने असली रूप में आ जाता है, डरावना जैसे भूतों का घर।
जाने कैसा कैसा लगा, और पहली बार लगा कि हमेशा जैसा भीतर लगता रहता था आज वैसा ही बाहर लग रहा है। चौकीदार को चाबी देकर फौरन जान छुड़ाकर घर को भागा। उस छोटी पहाड़ी पर उन सुंदर बंगलों की श्रृंखलाबद्ध कतारें हैं जो उन खपरेल वाले आम बंगलों की परिभाषा में नहीं आते जिन्हें अंग्रेज छोड़कर चले गए और जिनमें अब बिगड़ी तकदीर के खस्ता हाल लोग रहते हैं। यह एक नई बस्ती है जो बड़े नाज और नफासत से सरकारों ने बड़े सरकारी अफसरों के लिए बनवाई है और रोज बेहतर रखरखाव में सैकड़ों मुलाजमों को सख्ती के साथ लगाया जाता है। वे बंगले एक दूसरे के बगल में लेकिन एहतियाती दूरी के साथ बनाए गए हैं ताकि इस घर की हवा दूसरे घर में ना जा सके। वे आड़ी और तिरछी कतारों में कटे कटे से खड़े हैं और उसी तरह उन्हीं नज़रों से पास पड़ोस और आने जाने वालों को देखा अनदेखा करते, अपने गुरूर में, अपनी व्यस्तता में और अपनी हकारत में। एक अजीब मुर्दगनी इस बस्ती के इस्तमरारी बंदोबस्त में है जहां प्रवेश करने वाले मामूली लोगों के लिए अलिखित बंदिशें हैं। घरों के चारों तरफ सन्नाटा तैनात है, सड़कों पर कोई शोरगुल नहीं हो सकता, इंसानी हंसी पर सख्त एतराज़ किया जाता है, बच्चे भी धीमी आवाज़ों में बचपन गुजार लेते हैं, जोर से कहे शब्द बर्दाश्त नहीं किए जाते, यहाँ अपने आप रीढ़ की हड्डी 2 इंच नीचे सरक जाती है, रटे रटाए अटपटे वाक्य लटपटा कर ज़मीन पर बिखर जाते हैं और जिन्हें अपनी जीप से साफ करना मातहतों के लिए लाजिमी तय किया गया है। अधिकतम वाहन चुपचाप निकलते हैं, हॉर्न कम ही बजते हैं जैसे शव यात्रा में शरीक हों। लोग दबे पांव चलते हैं, उनमें ज़्यादातर नौकर चाकर बाबू और वे परेशान हाल अधीनस्थ होते हैं जो अन्यथा तो अधिकारी कहलाए जाने का भ्रम रखते हैं लेकिन नौकरशाही की असली परतों में वे बड़े बाबू से ज़्यादा औकात नहीं रखते। कुछ संभ्रांत हतभागी बूढ़े पुरानी शाल और पुराने दिनों में सिर घुसाए या चेहरे की निरीता गुलूबंद में छुपाए बगल से उदास गुजर जाते हैं। अक्सर एक दो या चार तेज तर्राट में चुस्त कपड़े और मर्दाने जूते डांटे भर्राटेदार अंग्रेजी में डपट कर बातें करती हुई तेजी से निकल जाती है। बाकी होते हैं सुबह की नृत्य क्रिया को निपटाने के उपक्रम में छोटे मोटे और अजीब शक्ल सूरत के कीमती कुत्ते जो अपने नौकरों को साथ लेकर यहाँ वहाँ सूंघते घूमते हैं। उन्हें देखकर देशी कुत्ते कभी खुशामद भरे याचना भाव से और कभी नितांत अक्खड़ तबीयत से भौंकने लगते। इन हरामी कुत्तों को शरीफ बस्ती से हटाए भगाए जाने के 100-100 जतन किए गए, उन पर तुर्ष कानूनी कार्रवाई भी की गई लेकिन हर बार कुछ ज़्यादा संख्या में वे वहाँ पाए जाते। बंगलों के कुत्ते उन्हें अत खुली आँखों से लापरवाही से देखते और कभी डर कर सिटपिटाए जमीन में गड़कर ढेर सारा मूतने लगते। ऐसे समय बंगले के अदृश्य कोने से आती मेम साहब की तीखी फटकार के पहले ही नौकर सजग हो जाते और देशी कुत्तों के साथ इस कदर बेरहमी से पेश आते कि बज्जात दुम छोड़कर अपने ठिकानों की तरफ किकियाते हुए दौड़ लगा देते। उन दुमों को विजय पताका की तरह लहराते हुए नौकर बंगलों में लौटकर तब तक डांट खाते जब तक कि वे उन दुमों को अपने पिछवाड़े सजा नहीं लेते। विशाल आलीशान बंगलों के सुरुचिपूर्ण आकृति और रंग बिरंगी प्रकृति वाले आभिजात्य लान अमूमन वीरान और उदास पड़े रहते। फूल पत्तियां चुप, हवा शुष्क, फिजा मनहूस, बाहर दबंग कुत्ते खुले घूमते और भीतर साहब लोग बंधे रहते। बाहर सिर्फ कभी कभार उनकी चप्पलों की हल्की आहटें या एक दो आधे अधूरे वाक्य या शब्द ही मुश्किल से आ पाते, वह भी तब जब ध्यान लगाकर सुना जाए।
वरना घर भर में लगातार केवल मेम साहबों की ऊंची, तेज, तीखी और तल्ख आवाज़ों और निर्देशों का मलवा अर्श से फर्श पर टूट टूट कर अर्रा कर गिरता रहता। ठंड की उस सुबह जब मैं कॉलोनी में घुसा, ठंड कम थी लेकिन हमेशा की तरह नामालूम क्यों एक बार फिर भीतर तक सहर गया। गेट के बाहर साइकिल टिकाई, पुराने कोट की बाँह से नाक पहुँची, तब घड़ी में 8:30 बज रहे थे। सर्दी शुरू होने के मौसमी संकेत यहाँ वहाँ दिखने लगे थे। बंगले में भीषण निस्तब्धता थी, जैसे अभी अभी यहाँ से ताजी मैयत उठाई गई हो। पीठ दिए माली लान में गुलाब की क्यारी घोड़ रहा था। गुलाम अली ड्राइवर कार पूछ रहा था। बीच बीच में वह बोनट के अक्स में चेहरा देखता कुछ गौर से, और फिर तेजी से चलते उसके हाथ शिथिल पड़ जाते, जैसे नदी की धार में पुरानी गठरी धीरे धीरे डूब रही हो। मुझे देखकर वह हंसा। उस हंसी में मेरे लिए कम और खुद के लिए दिलासा ज़्यादा थी। उसी के पास भरोसी खड़ा था। वह कचरे की टोकरी बाहर फेंकने के लिए निकला था और आदतन अली से बातें करने में उसका मन रम गया था। वह जितने फुसफुसाकर बोल रहा था उतने ही भेदीय अंदाज में आंखें नचा रहा था, और उसकी इन हरकतों से उसके शरीर के बाकी अंग भी उसी नीचता से सहज शामिल थे। मुझे देखकर वह इरादतन हंसा, मैं भी हंस दिया। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, यद्यपि नहीं जानता था कि मैं क्यों हंसा। शायद उसके संगसात के लिए जिसकी उम्मीद फिजूल थी, तो फिर क्या मैं अपना बचाव कर रहा था? तय था कि उस वक्त मैं कोई आश्वस्ति ढूंढ रहा था। मैं हर जगह एक अपराध बोध में जाता हूँ, लगभग क्षमा याचना करता हुआ। कोई तसल्ली बख्श आवाज़ या आधे अधूरे रहम भरी निगाह की भीख मांगता हुआ, बदले में डांट फटकार, दुत्कार और जलालत से लथपथ बदन और किसहाट के बोझ से दोहरा हुआ वापस लौटता। यह अजाना अपराध बोध इतना गहरा है कि अपने घर की दहलीज में घुसते के भीतर ही मैं ठिठक कर सिकुड़ जाता हूँ। दफ्तर में जाते यूं लगता है कि किसी कसाईवाड़े में ठेला जा रहा, और अब हर जगह मुझे उन तमाम आरोपों के सामने होना है जिनके उत्तर मेरे पास नहीं है और सवाल समझ के बाहर है। घर के अंधेरे ठंडे कमरों की राहत भी दुख नहीं हरती, बल्कि मरहम सी जलती और चिलकती है। लेकिन भरोसी ही क्यों? और भी सब क्यों हंसते हैं मुझे नहीं मालूम। यकीनन वह स्वागत की हंसी या सौहार्द भरी आत्मीयता नज़र नहीं होती, उसमें हमेशा की तरह एक कमीना कौतूहल होता। इसी बंगले में बड़े पापा जी डिक्टेशन के दौरान मेरी जो दुर्गत बनाया करते थे, ये सब लोग उन प्रसंगों के आनंद दर्शक और चश्मदीद गवाह रहे हैं। पूरे समय मेरी बेकसी पर बेशर्मी से हंसने के बाद बाकी वक्त इन्हीं लोगों ने मेरी जिल्लत और फजीहत के किस्सों का रंग बिरंगा बेहुदा प्रचार प्रसार भी बखूबी किया, जबकि वे सभी चौथे और पांचवें दर्जे के कर्मचारी थे। उनमें से कई तो अस्थाई भी, जबकि मैं उनसे कई ग्रेड ऊपर था, और अब तो मैं बड़े साहब का पीए और स्टेनो था। जब मैं उनकी मासिक उपस्थिति सत्यापित करता हूँ, तभी इन कमबख्तों को तनख्वाह मिल पाती है। लेकिन इन सब बातों को वे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, उल्टे दफ्तर में शेर की तरह आते और सिर पर खड़े होकर काम करा ले जाते, क्योंकि वे साहब के बंगले में काम करते हैं। मेरे पहले द्वारका प्रसाद बाबू साहब के स्टोनों थे। वे जब टेढ़ी नज़र से घूरते तो यही सब साले एक पौंद से हगने लगते थे, लेकिन मुझे कुछ समझते ही नहीं। शायद मुझी में कोई खोट है। पत्नी तक कहती है कि हर कोई मुझे दबा लेता है, शायद यह सच है। दूसरे क्या, मैं तो अपने बच्चों से भी जोर से बोल नहीं पाता।
वे ही मेरे ऊपर गरजते बरसते रहते हैं। क्या करूं, कमी नहीं अपने दुख की, पर किससे कहूं, कहां जाऊं, किसको बताऊं। कचरे की बाल्टी झुलाते हुए भरोसी बोला, आ गए बड़े बाबू सवेरे सवेरे क्या। मैं उसे अपने आने का प्रयोजन बता पाता, मेरे खकार कर गला साफ करने के पहले ही अली बोला, अबे सरकारी काम होगा साहब को बता दे। साहब को सवेरे सवेरे किसी से भी मिलना पसंद नहीं क्या। भरोसी की बात नहीं जची, भरोसी को ये बात नहीं जची थी। आंखें नचाकर और लगभग घूरते हुए बोला, दो तीन लोगों को अभी तक भगा चुका, उनमें से तो एक बड़ा टाई सूट डांटे था। मैंने कह दिया जाओ दफ्तर में, बंगला में नो टाइम क्या। कहने लगा कार्ड रख लो, मैंने कहा खोस लो भीतर क्या। इतना समूह हो गया, पिछवाड़ा हिलाता फौरन सटका क्या। जैसे तैसे उन्हें भगाया तो तुम आ गए क्या। मैं खून का घूंट पी कर रह गया, बस किसी तरह बताया कि जरूरी काम है, साहब को इतल्ला कर दो, और उल्टी हथेली से ना पहुंचने लगा। क्या इतल्ला कर दो, बता दिया ना कि साहब को पसंद नहीं, पर टलते ही नहीं तो कह देता हूँ साहब से, साहब फाड़े तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, समझे क्या। यहीं खड़े रहना, भीतर शेरू भैया खुले हैं, कहता हुआ वह भीतर चला गया। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। बंगलों में साहब के कुत्तों को भैया कहने का रिवाज है, जो नौकर चाकरों और दीगर कमजात लोगों के लिए नहायत कानूनी होता है। मुझे डर लगा, यह शेरू बड़े नीच स्वभाव का है, आदमी पहचानता है, हम जैसे लोग आते हैं तो उछलकर सिर पर लपकता है, दूसरे बड़े लोगों के आने पर उनके पैर चाटता है। आजकल कुत्ते भी इतने होशियार हो गए हैं कि वे ऊंच नीच छोटा बड़ा जाति धर्म औकात हम आपसे जल्दी और ज़्यादा समझते हैं। अब खैर इसी में है कि उनसे दबकर रहो। मैं ज़मीन में थोड़ा और धंसकर खड़ा हो गया। भरोसी ने मुझे बंगले से आवाज़ दी और मैं लपक कर भीतर पहुंचा। भीतर से झल्लाते हुए साहब निकले, वे लाल पीले फूलों और उस पर झपट्टा मारती काली चिड़ियों वाला लंबा और फूला हुआ गाउन पहने हुए थे। मुझे विचित्र जान पड़े, जैसे साहब के भेष में सर्कस का जोकर हो, फिल्मों वाला मुकरी। और वक्त होता तो मैं बेतहाशा हंस पड़ता, मुकरी बहुत हंसाता है साहब, लेकिन जब उन्होंने बहुत तीखी सवालिया नजरों से मुझे घूरा, मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिरा, मेरी घिग्गी बन गई। किसी तरह हिम्मत बटोर कर उन्होंने कागज दिखाया और दर्द दुर्जन सिंह की बात बताई। वे पहले थोड़े अचकचाए, फिर ठठा कर हंस दिए। उनके साथ मैं भी हंसने लगा। मुझे लगा मैं सौ संकट से उबर गया हूँ। उनके पैरों की तरफ झुकते हुए मैंने करीब का फर्श छू लिया, जिसकी ओर साहब ने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने नई सिगरेट जलाई और मोबाइल पर यही किस्सा किसी को हंस हंस कर सुनाने लगे। बीच बीच में ब्लडी ब्लडी फूल बोलते, फिर मोबाइल बंद कर आनंदित आंखों से देखा। मेरी जिंदगी का वह अनमोल क्षण था जब साहब ने मुझे प्यार से देखा, लेकिन जल्दी ही हिकारत में कहा, ब्लडी फूल, मैंने करेक्शन के लिए कहा था बेवकूफ, टेंडर अप्रेजल रिपोर्ट देखकर करेक्टेड आंकड़े भर दो साला। फिर भी हंसे और उठते हुए बोले, गेट लॉस, ये करप्शन नहीं, करेक्शन। ठीक 11 बजे मेरी टेबल पर टाइप नोट रख देना ब्लडी फूल, और पैर घसीटते भीतर चले गए। मैं हंसता हुआ बाहर आया, वाकई दुर्जन सिंह ब्लडी फूल है। ससुरे ने अर्थ का अनर्थ कर डाला, वो तो भला हो साहब का कि तत्काल समझ गया और हंसते हुए मामला निपटा दिया। साहब होशियार हैं। एकाएक मेरा मन उनके प्रति अपार श्रद्धा से भर उठा, जिसमें अपने बच जाने की खुशी से ज़्यादा साहब के बचा लेने की मेहरबानी शामिल थी। आँखें छल छल आईं, मैं बाल बाल बच गया। गाड़ी के पास खड़े उत्सुक अली ने पूछा, क्या हुआ। मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, दुर्जन सिंह ब्लडी फूल है। किस्सा सुनाकर अली ने हताश होकर कहा,
सो तो है लेकिन जनाब आदमी गजब की कुब्बत वाला है, अल्लाह नगवान हो। और चुपचाप कार पहुंचने लगा। दूर भरोसी संशय में खड़ा देख रहा था। अब मैं हंसा, ठीक से हंसा और बाहर आ गया। दफ्तर में यह किस्सा ऐसा फैला कि चारों तरफ हल्ला हो गया। रोज़मर्रा की मनहूसियत में हंसी मजाक का दिलचस्प विषय मिल गया। कुछ उद्दंड नौजवान बाबू एक दूसरे को ब्लडी फूल कहकर हो हो हंसने लगे। एक किस्म से रोज का रिवाज ही बन गया। हालत यह हो गई कि दफ्तर के एक छोर से जोर का नारा लगता ब्लडी फूल, तो दूसरी तरफ से संवेद हरहराते स्वरों की तोप छूटती ब्लडी फूल, और बाढ़ के पानी सी साथ बहती भयानक हंसी सारे दफ्तर को जल थल कर देती। बाज वक्त कॉरिडोर में आते जाते और दुर्जन सिंह के पास से गुजरते, आपसी बातचीत में ब्लडी फूल को गाना सा गाते या मजे मजे एक एक पग धरते ब्लडी फूल कहते, और कनखियों से उसे देखकर मुंह चौड़ा कर हंसते। स्टूल पर बैठे दुर्जन सिंह का चेहरा अपमान से काला पड़ जाता। साहब ने दूसरे दिन ही कह दिया कि यह आदमी सूरत से ही बेवकूफ नजर आता है, हटावे से किसी कचरे में ड्यूटी लगा दो। हुक्म की तामीली फौरन की गई और दुर्जन सिंह को स्टोर रूम का के काम में लगा दिया गया। उसका चेहरा हाथ में पकड़े कागज की तरह सफेद था, बोला कुछ नहीं, तेजी से वापस मुड़ गया। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि दुर्जन सिंह टेढ़े दिमाग का आदमी था, यह एक बार फिर सिद्ध हुआ जब घटना के कुछ दिनों बाद उसने सेवानिवृत्ति का आवेदन दे दिया। मैं हक्का बक्का रह गया, कोई आदमी बीच बीच में नौकरी छोड़ भी सकता है, इस बात की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था। उसे लाख समझाया, ऊंच नीच की बातें और दुनियादारी का जनसुलभ ज्ञान भी दिया, लेकिन वह पत्थर की तरह अड़ा रहा। एक अजब सूखी हंसी चेहरे पर बिखरती रही। इस हंसी की दरारों में गहरा विषाद और आस्था की टूटन तो थी ही, लेकिन साथ में एक अखंडित आत्माभिमान और दृढ़ निश्चय भी टेढ़े मेढ़े कोनों से भरपूर झलक दे रहा था। उसने एक ही बात सधे सुर में कही, बड़े बाबू, अब नौकरी करने का जी नहीं होता। हाड़ तोड़ कर नौकरी की है, गुलामी की तरह पूरे 26 साल। कई ऊंच नीच देखी और सही भी, कितने साहा लोग आए और गए, कुछ ने इनाम भी दिया, कुछ ने नहीं दिया, लेकिन वेरी गुड कहा, पर जैसा अपमान इस बार मेरा हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ। कम पढ़ा लिखा हूँ, भ्रत्य हूँ, समझने में कभी कभार गलती भी हो जाती है, लेकिन कभी कोई नुकसान नहीं किया, न होने दिया, लेकिन इस बार तो गजब हो गया। मानो संगीन जुर्म कर डाला हो। सारे दफ्तर में ब्लडी फूल कहकर रोज मजाक उड़ाया जाता है। गरीब इंसान की कोई इज्जत ही नहीं। आदमी सिर्फ पेट की खातिर नहीं, इज्जत के लिए भी जीता है। जहां लिहाज नहीं, इज्जत नहीं, वहां एक पल भी नहीं रहना। आज भी जहां घर में दम है, अपने खाने पहनने लायक कमा सकता हूँ। दो बच्चों को बड़े ओहदों तक अकेली जान ने पहुँचा भी दिया। अब अमिताभ भी पैरों पर खड़े हो रहे हैं, मेरी खुद की क्या जरूरत है। दूध दही के धंधे से और पेंशन से जैसे तैसे मेरा गुजारा हो ही जाएगा। गरीबी क्या देखी नहीं है, सूखी रोटी खाई है और आगे भी खा सकता हूँ, तो फिर एक कटोरी दाल के लिए क्यों रोज़ रोज़ का यह अपमान झेलूँ, हाय हाय करूँ। ना जी ना, ना ऐसी नौकरी नहीं करना। और उठकर वह चला गया। मैं जाते हुए उसको देखता रह गया। मैं सोचता था कि उसके इस्तीफे से दफ्तर में भूचाल आ जाएगा, कर्मचारियों में गहमा गहमी होगी, यूनियनबाजी होगी, शायद क्या उसे मनाने के हर स्तर पर प्रयास होंगे, साहब भी उसे बुलाकर समझाएंगे, और शायद वह मान भी जाए, सीधा साधा ईमानदार है। बुरा लगा तो रूठ गया, लेकिन लोग उसके पेट पर लात नहीं पड़ने देंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
किसी के माथे पर शिकन तक नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसका इस्तीफा एक कागज़ की शक्ल में उसकी फाइल में लग गया। रोज़मर्रा की तरह फाइलें चली, साहब के हस्ताक्षर हुए, स्वत्वों का भुगतान हुआ और दुर्जन सिंह भूतपूर्व कर्मचारी बन गया। उसके स्टूल पर छदामी लाल बैठने लगा। दफ्तर ज्यों का त्यों चलने लगा, वही चाल बेढंगी। लेकिन मुझे गलियारा और साहब के बाहर पड़ा स्टूल खाली खाली सा लगता। कुछ ऐसी कमी जिसने इस दफ्तर को और अधिक बदशक्ल और असहनीय बना दिया था। इधर मेरे घर के हालात दिनों दिन गिरते चले जा रहे थे। बड़े लड़के की नौकरी जैसी भी थी गनीमत थी, लेकिन छूट गई। पूछो तो कुछ बताता नहीं, रोने लगता। पत्नी ने अकेले में समझाया कि ज़्यादा कहा सुनी मत करना, न जाने कैसा उसका मन हो रहा है। कल छत के पंखे से फंदा बांध रहा था, मंजिले ने देख लिया वरना अनर्थ हो जाता। मैं थक रह गया। उधर मंजिला किसी इंटरनेट कैफे वाले दोस्त के साथ ब्लू फिल्मों की सीडी के फेर में फंस गया। थाना पुलिस के चक्कर लगे, बड़ी मुश्किल से जमानत पर छूट सका। गांठ से 4-5 हज़ार रुपये गए, इज्जत अलग गई। थानेदार ने छोड़ते वक्त घुड़क कर कहा था, साले को ठीक रखना वरना अगली बार 5-10 साल के लिए अंदर जाएगा। लेकिन मंजिले को किसी बात की शर्म महसूस नहीं हुई, उल्टे दांव फेल हो जाने का अफसोस बेशर्मी से मनाता और शातिर कायापन से बताता कि अगर ऐसा कर लेता या वैसा हो जाता तो अपन कभी फंस ही नहीं पाता और चुटकियों में मामला सुलटा लेता। उसकी संगत भी वैसे ख़राब हो चली थी, दुनिया भर के संदिग्ध चेहरे वाले लोग घर में आते जाते। देखकर बुरा लगता, लेकिन मोहजोर मंजिले के मुँह कौन लगे। फिर तो गजब यह हुआ कि उससे छोटी लड़की ने तो नाक ही कटवा दी होती। वो तो मंजिला उसे चोटी पकड़कर घर घसीट लाया, वरना किसी टेम्पो ड्राइवर के साथ मुंबई भाग रही थी और स्टेशन तक पहुंच ही गई थी। दिन प्रतिदिन के इन सदमों को मैं झेल नहीं सका। एक रात छाती में ऐसा तेज दर्द उठा कि अस्पताल पहुंच गया। गुप्ता डॉक्टर ने इत्मीनान से बताया कि दिल का दौरा पड़ा है, हालांकि पहला है और मामूली, लेकिन दूसरा खतरनाक हो सकता है क्या, और होता ही है, ध्यान रखिए। अब ध्यान क्या खाक रखूँ, मुसीबतें एक के बाद एक सिर पर चट्टानों से गिर रही थी। बचने का उपाय नहीं, भागने की जगह नहीं, चारों तरफ कोई सहारा नहीं, आगे इतना अंधेरा कि डर लगता। पत्नी ने ढेरों मनोतियाँ मांगी, उसके साथ सैकड़ों मंदिर दरगाहों पर मत्था टेका, व्रत उपवास किए, भभूत फाँकी, घंटे ताबीज बांधे, पर कुछ काम ना आया। दिल में अजब खौल सा बैठ गया। अभी उस दिन छोटा बेटा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लेकर उमंगता आया, तो कभी अखबार देखकर और कभी उसे देखकर मैं रोने लगा। वह मुझे टुकड़ टुकड़ देखता रह गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद पत्नी तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गई। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रोज़ सुबह घूमने के लिए भेजने लगी। जिंदगी भर सुबह उठने में कंटारी लगती रही, लेकिन अब डर के मारे बड़े सवेरे उठता, सिर पर कंटूबा और मफलर बांध योद्धा की तरह घूमने निकल जाता। परंतु सुरीले सौम्य वातावरण में घूमते हुए सारे वक्त दिन रात की वही चिड़चिड़ और चिंताएं दिमाग में पवंडर उठाती रहती। ऐसी ही एक सुबह जब मैं डॉक्टर नवाथे की कोठी के पीछे से नज़रबाग की ओर जा रहा था, मुझे चिर परिचित आवाज़ सुनाई दी, फिर करीब और करीब, फिर करीब, दही लो मही लो और दूध, फिर वही आवाज़, उसके साथ एक और आवाज़, एक अलग आवाज़। सामने दुर्जन सिंह था। मैं खुश हो गया, जैसे बहुत परसों बाद कोई पुराना गोइयां मिल गया हो। लगभग दौड़कर उसकी साइकिल के करीब हो गया और हैंडल पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ बोल ही नहीं सका। दुर्जन सिंह साइकिल से उतर चुका था। उसने बहुत झुकते हुए मेरा अभिवादन किया और पीछे मुड़कर कहा, पांव छुओ बड़े बाबू के।
भाग खुले जो आज सुबह सवेरे बड़े बाबू के दर्शन हुए। पीछे दूसरी साइकिल पर उसका बेटा अमिताभ था, डांटे कट का सांवला नौजवान, गठा शरीर, उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा तेज और तीखी थी, भरोसे से इनकार करती, बेमुरब्बत और सूखी। दोनों की साइकिलों में भांति भांति के डिब्बे और केने टंगी थी। अमिताभ मजबूती से अपनी साइकिल थामे हुआ था और पिता की साइकिल को टेक दिए हुए था। मुझे दुर्जन सिंह पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ और सुंदर लगा, न जाने क्या। मैंने कंटू पा उतार लिया और सिर को जाने लगा। कैसे हो भैया, मैंने कहा, मगर यह कैसी मेरी आवाज़ गले में अटकी, अजनबी और फटी सी। बड़े बाबू, वॉलंटरी रिटायर लेके अच्छा ही किया। अमिताभ पॉलीटेक्निक तो अच्छे से नंबरों से पास हो गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बेचारे ने खूब चक्कर लगाए, दफ्तर फैक्ट्री सब एक एक कर दिए, मगर कुछ ना हुआ। सरकार कुछ भी कहती सुनती रहे, लेकिन दुनिया अपनी चाल से चलती है। अब कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, सबको नौकरी की पड़ी है। मैंने कहा, अरे बाबले, नौकरी के पीछे टेम खोटी मत कर। मैंने खूब नौकरी करके देख ली, उसमें बरकत नहीं है, गुलामी है। तू जी छोटा मत कर, कुछ नहीं तो अपने घर का धंधा संभाल। काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, मेहनत से तरक्की होती है। काफ़ी समझाया, पहले तो हिचकिचाया, पीछे हटा। अब नए जमाने के लड़के हैं ना, हाथ के काम को अच्छा नहीं मानते। लेकिन फिर समझ गया, फंड के पैसे मिले तो मैं चार भैंसे और खरीद लाया। घर के बरामदे को घेर कर दूध दही और डबल रोटी की दुकान खोल ली। दुकान खोली तो पब्लिक की डिमांड पर चार चीज़ें और रखने लगा। सवेरे दूध दही की फेरी और दिन भर दुकान, शाम को चकरा घाट पर अगरिया वाले पंडित जी की कथा सुनना। अब अमिताभ का मन जम गया है, सो डेयरी की जुगाड़ में लगे हैं। मेहनती लड़का है, हफ्ते में दो चक्कर बेड़छा मंडी से मावा ले आता है। चार पांच होटल बंद गए हैं, छोटा टेम्पू लेकर होम डिलीवरी की सोच रहा है। अच्छा चल रहा है बड़े बाबू, उसकी आंखें चमक रही थी। अमिताभ निष्प्रभाव से खड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस बीच बीच में घड़ी देख लेता। मैं दुर्जन सिंह की साइकिल का हैंडल पकड़े उसी तरह खड़ा था जैसे बचपन में पिता के पास खड़ा हो जाता था जब वे मेले से लौटकर आ रहे होते। बाबू, उस दिन भाई घटना ना हुई होती तो मैं बिलेडी फूल जिंदगी बस जिंदगी से इतनी हिम्मत के साथ जूझ भी नहीं पाता, अपने आप को ठीक तरीके से जान भी नहीं पाता। फिर ये दिन भी नहीं आते। अमिताभ तो लगा रहता है कि पापा घर बैठो, खूब कर लिया, आराम करो, अब अपनी सेहत का ध्यान रखो। लेकिन मुझे क्या हुआ है? अरे मैं कहता हूँ, मैं दुर्जन सिंह अभी 20 साल इसी तरह से और चलता रहूँगा, ना कोई रोक दोख और ना लाचारी, बढ़िया है। ऊपर से वो भी आपकी बहू कहती है कि आ जाना आ जाना, सब काम निपटा कर आ जाना, अभी जल्दी क्या है। लेकिन बड़े बहू, हाथ तो जल्दी है, फिर कभी सीधे घर ही आऊँगा, चाय भी पीऊँगा और दुनिया जहान की बातें भी करूँगा, अभी तो मैं चलता हूँ। वह साइकिल पर चल दिया, मैं उसकी पीठ हेरता रहा, कैसे पुष्ट कंधे, कमान सा खिंचा शरीर और तेज तेज चलते पांव। सुंदरता चेहरे पर ही नहीं होती, वह मनुष्य में होती है, उसे चाहे जहां से भी देखो। पीछे मोड़ से सुबह की ठहरी हवा को चीरती उस आवाज़ के हम कदम, एक और बुलंद आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, दही लो मही लो दूध। यह आवाज़ बरसों से सुनते आ रही दुर्जन सिंह की आवाज़ से कुछ अलहदा थी, सीटी सी नोकदार तीखी, मगर भरी भरी और बेहिचक। धन्यवाद। मित्रों, मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करता हूं। आपका मैंने बहुत समय लिया, इसके लिए आप मुझे निश्चय ही तौर पर क्षमा करेंगे, और क्षमा करने के अलावा आप कर ही क्या सकते हैं जब आप कंप्यूटर अपने मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे हों।
तो इसके अलावा और कोई गुंजाइश बचती भी नहीं है, लेकिन कृपा कर इस बार मुझे तो कर ही दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।